नव नियुक्त मेयर और डिप्टी मेयर भट्ट साहब को और माधुरी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपना कार्यकाल अच्छी तरह से करें। मंडी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहे, उस सारी चीज़ के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा एक सपना था कि मंडी में वर्षों से एक मांग थी कि भाई यहाँ कॉरपोरेशन बननी चाहिए। हालांकि उस मांग को लेकर के मेरे को कई बार प्रतिनिधिमंडल मिले भी, व्यवहारिक नहीं लग रहा था, ऐसी स्थिति लग रही थी। लेकिन जब मुझे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो इस मांग ने थोड़ा जोर पकड़ा और उस दृष्टि से हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में कुछ और जगह भी कॉरपोरेशन बनानी चाहिए। शिमला और धर्मशाला की कॉरपोरेशन के अतिरिक्त हमने मंडी, सोलन और पालमपुर तीन जगह नगर निगम बनाए। छोटा सा प्रदेश और पांच नगर निगम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और वो इसीलिए कि विकास को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें इन शहरों में। और उस दृष्टि से नगर निगम बनी और मैं मंडी की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब पहला चुनाव हुआ नगर निगम बनने के पश्चात तो मंडी के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, समर्थन दिया। 11 काउंसलर हमारे और हमारे मेयर और डिप्टी मेयर पहले बने और उस दृष्टि से दीपाली जी पहली मेयर के नाते मंडी की नगर निगम में काम किया उन्होंने और उनके साथ इंद्र भट्ट जी डिप्टी मेयर के नाते काम किया। आज जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ 2.5 साल का और उसके बाद एक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो तय हुआ कि हम अब नए कार्यकाल में प्रवेश करेंगे, तो उस दृष्टि से आज मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर दोनों जगह सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ है संपन्न, उसके लिए मैं सभी काउंसलर्स का भी धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ में यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने भी नॉमिनेशन नहीं फाइल किया तो थोड़ा सा उनका भी धन्यवाद करने का मेरा मन करता है कि उनने उसमें सहयोग दिया उस दृष्टि से। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ जो हिमाचल प्रदेश में इन नगर निगम के चुनाव से संबंधित इस प्रकार की पैदा की कांग्रेस की सरकार ने, इतना बड़ा क्योस हमने कभी देखा नहीं। जब फर्स्ट टर्म का जो टेन्योर था 2.5 साल का वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद रोस्टर चेंज होना था तो सारी चीज़ के लिए बहुत सारा विलम्ब किया। ये चुनाव आज से लगभग 2 महीने पहले ही संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 महीने बाद यानी कि 2 महीने तक मेयर डिप्टी मेयर के पद दोनों ऐसे 4 कॉरपोरेशन में, धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में बिना हेड के यानी कि बिना मेयर डिप्टी मेयर के नाते कॉरपोरेशन चलती रही। और इसमें कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि नाकामी रही। अंतर्गतव एक्ट के मुताबिक उनका लगा कि बहुत लंबा समय तक अब इंतजार नहीं किया जा सकता, अब चुनाव कराना ही पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किए। यहाँ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया उस पर प्रमुख रूप से तो यही था कि डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी और उस क्लैरिफिकेशन को लेने के लिए बहुत सारा वक्त लगा दिया और वो एक सीधी मंशा थी कि ये मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव किसी तरह से आगे खिसकाया जाए, उस तरह से उन्हें प्रयत्न किया गया। और उसमें यही था कि जो विधायक है वो वोटिंग राइट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लॉ ने ओपिनियन दी और ओपिनियन दी कि विधायकों को वोटिंग राइट कॉरपोरेशन में नहीं है। और उसके बाद फिर अगली तारीख तय होनी थी कि डिप्टी कमिश्नर डेट तय करते, उसमें बहुत ज़्यादा देर किया और देर करने के बाद आखिरकार अब जब उन्होंने डेट तय की 2 कॉरपोरेशन में, पालमपुर और मंडी में, पिछले कल पालमपुर हुआ आज मंडी हुआ, तो वहाँ वो डेट तय करने से पहले एक और चिट्ठी निकाल दी
अभी शायद मेरे कल 23 तारीख को निकाली थी शायद वो नोटिफिकेशन की, और उसमें ये कर दिया कि विधायक और विधायकों को भी जो उसमें जो है वो भी वोटिंग मतलब कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं एक न्यायिक, यानी कि अपने ही निर्णय कुछ दिन पहले लिया हुआ निर्णय उस निर्णय को उन्हें पलट दिया, और स्वाभाविक रूप से उसके पीछे उनकी मंशा कुछ और लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दो कॉरपोरेशन है सोलन और पालमपुर सॉरी धर्मशाला, दोनों कॉरपोरेशन में उसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जहां कंफर्टेबली वो जीत सकते थे पालमपुर में उसकी डेट तय कर दी, जहां कंफर्टेबली वो नहीं जीत सकते थे उनको मालूम था कि यहां पर हमारे लिए परिस्थिति नहीं है मंडी में, तो वहां पर मंडी की डेट तय कर दी, उनको लगा कि यहां पर बीजेपी के मेंबर्स का जो काउंसलर का नंबर ज़्यादा है ऐसे में ये तय किया। और उसके पश्चात अब हमारे सामने प्रश्न ये बनता है कि पहले एमएलए का वोट आपने डिनाई किया लॉ की ओपिनियन के मुताबिक, और अब आपने लॉ की ओपिनियन लिए बिना ही फिर से जो है उनको वोटिंग राइट दे दिया। ये बहुत बड़ा क्योस जो है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, और इसके मुताबिक सीधी सी बात है कि वो राजनीतिक मकसद से निर्णय लिया गया है। और हमारा ये कहना है उसमें कि अगर वोटिंग राइट दिया है तो आज हमने उसमें क्लैरिफिकेशन भी मांगी थी कि हमारा यहाँ पर जो हाउस का कोरम क्या रहेगा। हमारा इलेक्ट्रल कॉलेज तो 15 काउंसलर का है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब वोटिंग राइट एमएलए को दे दिया तो स्वाभाविक रूप से इस बात को मान के चलिए कि हमारा इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो इसके लिए कॉरपोरेशन का मंडी का वो 18 बन गया, 3 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट इसमें आता है इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत, तो हम उसका राजनीतिक लाभ ले सकते थे लेकिन हमें उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और हमने लिया भी नहीं। इसलिए हमारे विधायकगण वहाँ बाहर तक गए लेकिन अंदर हाजिरी नहीं लगाई ना, अंदर प्रेजेंस हमने नहीं दी है, और हम उसके बिना भी वहाँ पर बहुमत में थे, हम जीते। और इस सारे मामले को लेकर के कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में हमने प्रोसीड करना है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कॉरपोरेशन जितने भी हिमाचल प्रदेश में बने 4 कॉरपोरेशन जहाँ अभी चुनाव हैं उनको राजनीतिक अखाड़ा बना करके कांग्रेस ने जो कोशिश की है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, अब सारी बात यह है कि कांग्रेस ने अब ये जो व्यवस्था परिवर्तन का जो एक नारा दिया है तो अव्यवस्था की हालत ये है, व्यवस्था की हालत ये है कि चारों तरफ जो है यहाँ पर इस प्रकार से अव्यवस्था का एक आलम हमारे सामने है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी करें अल्टीमेटली उसमें उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, और कॉरपोरेशन मंडी के सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका मॉरल सपोर्ट भी रहा है, उनके डेवलपमेंट में भी आने वाले समय में हमको सहयोग चाहिए, और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली सारे विधायकगण, विधायक के साथ हमारे काउंसलर्स जो आज के इस वोटिंग में जिनने पार्टिसिपेट किया, जिनने अंदर जाकर के इस प्रक्रिया को पूर्ण किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ के जो नए मेयर बने हैं देवेंद्र भट्ट जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और माधुरी जी को जो डेप्टी मेयर बनी उनको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडी विकास की दृष्टि से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेगी और एक नए लक्ष्य को हासिल करेगी। सर, धर्मशाला का भी अभी तक सरकार घोषणा नहीं कर पाई है चुनावों की, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उसका सीधी सी बात है, ये जो विधायकों का वोट का अधिकार की जो नोटिफिकेशन करी है वो इस वक्त वो कर नहीं सकते थे, सही बात। कारण यह है कि इसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, पहली बात, और अगर एक्ट में अमेंडमेंट होनी है तो वो विधानसभा के अंदर होनी है, और इन्होंने जो किया विदाउट जो है वो जो कैबिनेट की अप्रूवल के बिना ही एक सीधा ही नोटिफिकेशन कर डाला है, जो कानूनी तौर पे मैं मानता हूँ कि वो वैध नहीं है। और उस दृष्टि से विधानसभा का जब 70 जो है वो आहूत कर दिया गया है, बुला लिया गया है, 19 तारीख से विधानसभा का 70 है, तो ऐसे में
ये इस निर्णय को नहीं करने के लिए मतलब ये इस निर्णय को कर नहीं सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने वर्तमान में जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और सारे इसको हमको लीगली हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कोर्ट में भी जाने की बात चल रही है। कुछ आपके पार्षद आज फ्रंट रनर्स में भी थे, आज उनको जगह नहीं मिल पाई। नहीं देखो उनकी नाराजगी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुआ था और पार्टी के सभी काउंसलर्स ने कहा कि भी जो भी निर्णय हुआ सर जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं उनने जाकर के सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और लेकिन फिर भी इतना जरूर होता है कि स्वाभाविक रूप से पद तो दो ही हैं, मेयर है डेप्टी मेयर है और दो लोगों को ही अकोमोडेट कर सकते थे। सब लोगों ने सब्र रखा, संयम रखा, सब योग्य थे और सक्षम थे, लेकिन उसके बावजूद दायित्व देने की बात आती है तो दो व्यक्ति को जो दायित्व दिया है तो उस पर सबकी सहमति है। मैं यही कहूँगा, थैंक यू प्लीज, थैंक यू।